अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे है? तबीयत ठीक है? आज दोस्तों को मेरा सलाम। हाँ साद भाई, कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ओ ये हम जा रहे हैं, भाई ने जो जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है ना, इसने बाल सेट करने रमजान में मुझे लेके जा रहे हैं। जी, 3-4 बज रहे हैं, धूप देख लो, गर्मी भी, लेकिन देख लो आपको भाई कुर्बानी दे रहा है। तो नॉर्मली वैसे हम रमज़ान में इस टाइम कम ही निकलते हैं, बहुत रेयर निकलते हैं, लेकिन ये है कि दोस्त ने इंसिस्ट किया कि मैंने बाल बनाने, बाल बहुत लंबे हो गए, तो अब दोस्त ने कह दिया था कि हमने जाना है, तो क्या कह सकते हैं, आपको पता है दोस्त को मना तो नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह हम अभी जाएंगे बस स्टॉप की तरफ। ये देखो, ये पाकिस्तानी बाज नहीं आते, इसको मैं कह रहा हूँ कि यार रेड लाइट प्रॉपरली वहाँ से क्रॉस करके जाते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये कह रहा है कि नहीं, से आपको दिखाएंगे कि कानून कैसे तोड़ देगा ये। इसने फिर से कानून तोड़ने का इरादा किया है। एक दिन मुझे लगता है ना कि एक दिन बढ़ जाएगा, पहले उसका इंतजार है, फिर हम कहेंगे बहती हवा सा, तो कहां गया उसे ढूंढो। और पीछे गाड़ियां भी आ रही है, ऐसा ना हो कि मैं भी बढ़ जाऊं। मैं तो इसका मजाक उड़ा रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैं भी बढ़ जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं खुद मजाक बन जाऊं, मैं खुद की मजाक बन जाऊं। अभी हम बस स्टॉप तक पहुंच गए हैं। कर देते और ये लो बस पहुंच गई, 5 मिनट के बाद ये बस पहुंच गई हमारी। चलो आप का तस्वीर गिरा हो। चलो तो हम ये 51 नंबर बस से उतरे, खैरियत से बस ने हमें पहुंचा दिया, खैरियत से हम पहुंच गए। अभी 2-3 मिनट में पैदल जाएंगे हम, 2-3 मिनट में उधर तक हम पहुंच जाएंगे। क्या मैंने कहा, दिन को भी अंधेरा होता है रात को। दोस्त कह रहा है कि दिन को भी अंधेरा होता है, रात को तो वैसे भी अंधेरा होता है। यहाँ पे देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं बहुत मशहूर बनता हूँ, ये तो YouTube चैनल मैंने बनाया हुआ है वैसे ही यार, इंजॉयमेंट के लिए। सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स और लाइक्स वगैरह मुझे चाहिए, चाहिए थोड़ा बहुत चाहिए, चाहिए मुझे, चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ, सारी बात है, चाहिए। बरसिंगा क्रॉसिंग बहुत ज्यादा है, अभी हम क्या करेंगे, बरसिंगा क्रॉसेस को पार करेंगे। आपको दिखाते हैं बरसिंगा क्रॉसेस, यहाँ के समझ रहे हो ना, बरसिंगा क्रॉसेस। माशाल्लाह ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। ये देखो शौक की ना कोई कीमत नहीं होती, देख लो किस तरह खेल रहे हैं, रमज़ान भी है, पता नहीं इनका रोज़ा हो गया, रोज़ा तो हो गया, ज़ाहिर ही बात है। हमने ख़ुद भी टूर्नामेंट स्टार्ट किया हुआ है, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस जारी है रमज़ान में, ईद के बाद, ईद के दूसरे तीसरे दिन वो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। कुछ 15 से 16 टीमें हैं ना, इंशाल्लाह टीम हमारी जो है बहुत स्ट्रांग है। पिछली बार भी हमारी टीम फाइनल में गई थी, लेकिन ये कि अपनी इस टीम से जो है ना, अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चों से हार गई थी। अभी कसाई की तरफ पहुंच गए, अभी क्या करेंगे कसाई आपके साथ, मेरे साथ वो मुझे ज़बह कर देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तीन वाले में पहुंच गए, अभी इसकी कटिंग होगी, अभी कसाई को कहेंगे कि इसकी अच्छी सी कटिंग करनी है, फिर इसकी बिरयानी बनाएंगे, पीस पीस करेंगे।
और यहाँ दोबारा से भाई साहब बाहर निकल गए और बाबा शॉप की ना प्रॉपर एक अच्छी सी वीडियो बना ली। जिस भाई को कसाई की तरफ लेके जाना था उसने अपना काम कर दिया, कसाई ने भी अपना काम कर दिया, उसका भी काम हो गया। अभी दिखाते हैं उसकी न्यू लुक। ओह माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो हैंडसम ब्रो। थैंक यू। ये सब दुआएं हमारे साथ हैं। वो तो है, दुआएं तो हम देते रहेंगे, लेकिन ये कि वो जो 400 सोम दिए, 400 सोम दिए, हमें 600 वापस कर दिए। शुक्र है वेस्ट नहीं गए, ये 400 वेस्ट नहीं गए। हेयर कटिंग इज अ मेंस मेकअप। यहाँ पे मैंने एक भाई देखी, मुझे बहुत पसंद आई है। वैसे मैंने एक बात नोट की है। कौन सी बात? हमारे बालों की ये औकात होती है कि हम 2-3-4 महीने बालों पर मेहनत करते हैं, शैम्पू वगैरह लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, गलती से समझ रहे हो ना, तो पेट्रोल तो नहीं लगाते, लेकिन ये कि चीज़ें लगाते हैं ताकि हेयर ग्रोथ सही तरह हो, हेयर फॉल ना हो, बालों को बढ़ाते हैं। फिर 5-6 महीने बाद क्या करते हैं कि वही बाल हम एक नाई के पास लेके आते हैं और वो काट देता है कैंची से और बाल नीचे गिर जाते हैं, फिर लोग उस पर पाँव लगाते हैं। ये हमारे बालों की औकात है और बाल काटने के लिए हम उसको पैसे देते हैं, हालांकि हमने कितनी मेहनत की होती है। अब ये देख लो, भाई साहब ने कुछ 3 महीनों से बाल रखे थे, अभी बाल बढ़ गए। अभी कैसे फील हो रहा है? बाल तो आपके बढ़ गए, अभी कैसे फील हो रहा है? माशाल्लाह आवाज़ तासु तो उम्दा है, जो तासु कलम विख्ता वाड़ा कभी तासु मेन रशिया तरह से पोश विख्ता वाड़ा की हो रहा। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि इसका स्टेशन जो है ना, स्टेशन वो फ्रिक्वेंसी इसकी वेरिएबल होती है ना, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है। हम इसको कहीं और लेके जाती है कहीं और, इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो किसी को पता नहीं चलता। जमा याराना दसी कार दे पख्तो जमो खज जुबान दे कोशिश पढ़े बांधे मुंह चिदे जाना बोल मुंह बच दे पख्तो शगाऊ ओ दाई समुंग लैंग्वेज द खड़ा शगाऊ दाख पला पे खवरियान दी। हाँ मरगरो मुंग रा गली उधर दस्ताव की नासी उधर दसो बगी सोया सात भाई सात भाई। हाँ क्या कह रहे हो तुम? यार कंफ्यूज कर दिया, पश्तो बोल रहे हो, उर्दू में बोलो, इंग्लिश में बोलो। अभी हम बस से उतरे हैं, माशाल्लाह से कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितना रश जमा हुआ है। देखो इधर काफ़ी लोग इधर बस स्टेशन पे जो है ना बस का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत जगह है ये। ये सारे फ्लैग लगे हुए हैं किर्गिस्तान वो रशिया के। साद भाई हमारे पास मौजूद है, तो साद भाई क्या कहते हैं इस जगह के हवाले से? जगह का मौसम तो वैसे सही होता है ना ये इस कंट्री का, लेकिन ये जो जगह है ना ये हम एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर हम अभी इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो व्लॉग में जो है ना वो रेयर हो जाएगी, तो इस वजह से ये सिर्फ ये व्यू दिखा दो, बाकी ये कि नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ये जगह पूरी लेके आएंगे, बहुत बड़ी है ना। इस जगह का नाम क्या है? फिलहारमोनिया। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको ये देखो चंगेज खान की नस्ल है, ये देखो बिल्कुल लगा। हमारे साथ मानसिक मिले, ये सारे बच्चे देखो इधर। योर नेम इज? माय नेम इज अली। कब जाऊ? माय नेम इज साद। कब जाऊ? आई दिन। कब जाऊ? So you know English a little bit? Ilkhat, where did you learn English from? And your name? Malchik, your name? और यहाँ दोबारा हमारी मुलाकात इन छोटे से क्यूट से बच्चों से हुई, और प्यारे बच्चे थे।
इनको भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, हमें भी जिस तरह कल बच्चों से मुलाकात हुई थी थोड़ी बहुत रशियन बोली थी, इस तरह आपके भाई को भी रशियन थोड़ी बहुत आती थी, तो बातचीत हुई। फिर उसके बाद ये यूट्यूब चैनल मांग रहे, लेकिन इनके पास फ़ोन नहीं था। मैंने ये सोचा है कि हम जब भी व्लॉग ख़त्म करेंगे तो व्लॉग के एंड पे हम क्या करें कि हमेशा एक पॉजिटिव टॉक या इफॉर्मेशन या कोटेशन टाइप ऐड करेंगे। सो द कोट ऑफ द डे इज, व्हेनेवर यू फील स्कैरी टू जंप, व्हेनेवर यू फील स्कैरी टू जंप, दैट इज द एग्जैक्ट टाइम इन यू जंप, अदरवाइज यू विल स्टे इन दैट सेम प्लेस फॉर एवर। सो गाइज, व्लॉगिंग को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर देखने लायक होता नहीं है। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, स्टे ट्यून्ड, gives us a support, like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Allah Hafiz.